अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हफीज़ अलहम, आप देख रहे हैं डेली कोडिंग चैनल। आज हमारे HTML कोर्स की क्लास नंबर 22 चल रहा है। आज हम लोग देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में वीडियो कैसे ऐड करते हैं। जैसे कि हम लोग अपनी वेबसाइट में ऑडियो ऐड करते थे, तो इसी तरह हम लोग देखेंगे कि वीडियो भी कैसे ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। वीडियो उन वेबसाइट में लोग ऐड करते हैं जैसे कि न्यूज़ की चैनल है, न्यूज़ की वेबसाइट है उसी में लोग ऐड करते हैं, और व्लॉग की वेबसाइट में लोग ऐड करते हैं, या आप ऑनलाइन पेपर या कुछ इंटरव्यू वगैरह जब लेते हैं उनकी गाइडलाइन के लिए लोग वीडियो भी ऐड करते हैं अपनी वेबसाइट में। तो वीडियो ऐड करने के लिए हमारे पास एक टैग है जिसे कहते हैं वीडियो टैग। वीडियो में बहुत ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ किया जाता है जो मैं आपको इस साइड पे दिखाऊंगा। यही एट्रीब्यूट्स जो है ये सारे मैंने ऑडियो टैग में भी यूज़ किया है। अगर आप लोग बेसिक टू एडवांस सारे एक्सप्लेन में चाहते हो तो मैंने ऑडियो टैग में सारे एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसी पर जाके वीडियो देख लेना, सारे बेसिक टू एडवांस मैंने सारे एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं, वीडियो यहीं पर लाइक करो, वहीं पर देखते हैं कि वीडियो कैसे ऐड करते हैं हमारी वेबसाइट में। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पर वीडियो टैग ऐड करूँगा वीडियो, और अब वीडियो के अंदर जो है यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं सोर्स ऐड करेंगे। अब सोर्स के बाद जो है वीडियो ऐड करने के लिए जो है हमारे पास एक पाथ देने के लिए हमारे पास एक एट्रीब्यूट जिसे कहते हैं SRC के बाद जो है यहाँ पे मेरे पास एक वीडियो है traffic.mp3mp4 के नाम से, वही मैं ऐड कर लूँगा traffic.mp4 नाम से। अब इसी के बाद इसी वीडियो की जो है फॉर्मेट बताने के लिए टाइप्स देने के लिए जो है वो ऐड करते हैं वीडियो /mp4 ऐड कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्लोज़ कर लूँगा, कंट्रोल इसे सेव करते हैं और यहाँ पे जाके रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने के बाद देखो दोस्तों ये वीडियो आया। अब वीडियो जो है काफ़ी बड़ा है, वीडियो को मैं इसकी जो विथ है विथ हम लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं वीडियो के अंदर। यहाँ पे मैं विथ दे दूँगा, अब मैं 1000 पिक्सल कर दूँगा। सेव करते हैं और यहाँ से रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। अब कंप्लीट वो आया मेरे पास, अब ये देखो कंप्लीट वीडियो आया। अब वीडियो के बाद जो है इसकी कोई भी ना बटन है ना कोई कंट्रोल है ताकि मैं इसको प्ले कर सकूं। प्ले करने के लिए जो है हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जिसे कहते हैं कंट्रोल्स। अब यहाँ पे सेव करते हैं, फिर से रिफ्रेश करते हैं यहाँ से। अब रिफ्रेश करने के बाद देखो यहाँ से इसकी कंट्रोल आया, मैं इसको प्ले कर सकता हूँ। प्ले के बाद जो है यहाँ पर इसकी जो वॉल्यूम है बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो, यहाँ से फुल स्क्रीन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एक और एट्रीब्यूट देखते हैं दोस्तों, वो ये है, आप लोगों ने YouTube में अक्सर देखा होगा कि हर वीडियो के ऊपर एक थंबनेल होता है। जब आप थंबनेल पे क्लिक करते हो तो एकदम से वो जो उसकी तस्वीर है ना वो तस्वीर हट जाता है, थंबनेल हट जाता है, वीडियो प्ले हो जाता है। उसी वीडियो हर वीडियो के ऊपर एक पोस्टर लगा होता है, एक थंबनेल लगाया होता है उस वीडियो के बारे में हिंट देने के लिए। तो चलिए हम लोग भी यहाँ पे देखते हैं कि वही थंबनेल वही पिक्चर हम लोग कैसे ऐड करते हैं। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं। यहाँ पर उसी एट्रीब्यूट को कहते हैं उसी पोस्टर लगाने के लिए एक एट्रीब्यूट इसका नाम है पोस्टर। पोस्टर ऐड कर लिया। अब पोस्टर पे जो भी पिक है मेरे पास यहाँ पे एक पिक मैंने रखा है 11.jpg, वही मैं 11.jpg नाम से कंट्रोल से मैं सेव करता हूँ। और यहाँ पे जब मैं रिफ्रेश करूँगा देखो दोस्तों इस रश के ऊपर जो है एक पिक आएगा। अब देखो एक पिक इसके ऊपर आया, ये थंबनेल है। जब मैं इस पर एकदम से यहाँ पर क्लिक करूँगा जो ये वीडियो है मैं प्ले करूँगा, ये तस्वीर एकदम से हट जाएगा। अब देखो तस्वीर हट गया और जो वीडियो है वो प्ले हो गया। फिर से मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, देखो फिर से पिक आया, यहाँ पे एक थंबनेल आया। वो थंबनेल आप कुछ भी लगा सकते हो, जो भी थंबनेल आपने बनाया है लगाया है वो लगाना चाहते हो आप लगा सकते हो। फिर से मैं यहाँ पे जब प्ले पे क्लिक करूँगा देखो प्ले पे मैंने क्लिक कर दिया और ये तस्वीर है वो हट गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ आया होगा कि वीडियो कैसे ऐड करते हैं हमारी वेब पेज में। और जितने भी मैंने पहले भी कहा कि जितने भी एट्रीब्यूट्स मैंने ऑडियो में यूज़ किया है और सारे एट्रीब्यूट्स आपको जानना है बेसिक टू एडवांस, तो मैं यहाँ पे इस साइड पे मैं एक लिंक दे दूँगा ऑडियो टैग की, उसी ऑडियो टैग पर चले जाना और वही सारे कम्प्लीट वीडियो देख के उसमें मैंने सारे एट्रीब्यूट जो है वो एक्सप्लेन किया है, वो आप लोग देख सकते हो। और अगर वीडियो से सीखने को कुछ मिला है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो के साथ और चैनल के साथ आप लोग जुड़े रहे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।